ईश्वर का स्वरूप कैसा है। यह सत्य है कि ईश्वर निराकार हैं, लेकिन उस निराकार पर ब्रह्म को हम साकार तत्वों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। हम उस निराकार को कैसे प्राप्त करेंगे, उनको कैसे भजेंगे, क्या स्वरूप होगा जिसका हम ध्यान करेंगे? जब हम ध्यान आसन लगा करके बैठेंगे तो केवल निराकार स्वरूप को अगर हम ध्यान करते हैं तो निराकार कहना भी तो एक आकार देना होता है। ईश्वर नाम मात्र कहना भी तो एक आकार सकार प्रतीक है ईश्वर का। जिस प्रकार से हम भिन्न भिन्न नामों से ईश्वर को जानते हैं या कोई भी नाम उनको हम देते हैं तो उनको एक सकार प्रतीक प्रदान करना वो हुआ। अगर सकार प्रतीक ही माध्यम है तो हम क्यों ना सकार प्रतीक के चरम पर चले जाएं, इतने सकार प्रतीक बना लें जिन सकार प्रतीकों के माध्यम से हम पूर्णतः उस पर ब्रह्म को पहचान जाएं। जब नाम मात्र देने से ईश्वर की चेतना हम तक हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो जब हम सामने उनकी प्रतिमा उनका विग्रह तैयार कर लेते हैं तो उनकी चेतना हमारे अंदर पूर्णतः स्फुटित होने लगती है। पुनः पुनः जब हम उनका चिंतन करते हैं, जप करते हैं, तो भी उनकी चेतना हमारे अंदर और भी ज्यादा अधिक शक्ति से स्फुटित होती है, प्रकट होती है। उनको सकार स्वरूप देने से हम उनके और भी ज्यादा समीप चले जाते हैं, नजदीक चले जाते हैं। इसलिए निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सकार प्रतीकों का खंडन करना अज्ञानता है। इसी कारण से शिव जी जो शाश्वत हैं, शंकर हैं, सनातन हैं, उन्होंने भी अपना सकार प्रतीक हमारे लिए भेजा है, जो शिवलिंग है, जो उनका सकार स्वरूप भी है, जिसमें हम शिव को ध्यान आसन में या शिव को माथे पर चंद्रमा जटाओं से युक्त, माथे पर चंद्रमा, गले में सांप और बाघ की छाल लपेटे हुए जो शंकर को हम हाथ में त्रिशूल लिए देखते हैं, वो शंकर उन्हीं पर ब्रह्म का एक सकार प्रतीक है जिसके माध्यम से हम उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका ही पुनः पुनः चिंतन करना है।